हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूँ आज के न्यूज सेशन में। और हम लोग सॉल्व कर रहे थे झारखंड टीजीटी 2016 का जो पेपर हुआ था उसका हम लोग सॉल्व देख रहे थे। इसमें हम लोग 3 क्लास लिए हैं और जो देखिए जे एस एस सी और यह टीजीटी के है, ठीक है। टीजीटी जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसका हम लोग पेपर को सॉल्व कर रहे थे। और मैथ फिजिक्स का है ये जो सब्जेक्ट हम लोग लिए थे, मैथ और फिजिक्स, ठीक है। मैथ और फिजिक्स का हम लोग जो पार्ट सॉल्व किए थे, इसमें मैथ जो था पार्ट वन में और ए जो फिजिक्स है आपका पार्ट टू में था, ठीक है। मैथ का जो टोटल प्रश्न है वो 75 प्रश्न है और इसका भी क्या है 75 प्रश्न है। मैथ में हम लोग 3 क्लास लिए हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लिए चुके हैं। क्लास एल, जैसे एल वन कहने का मतलब क्लास नंबर 1 एक से लेकर 20 तक प्रश्न बनाए थे। एल टू हम लोग इसमें 21-2 क्या लिए थे 30 तक। एल थ्री में हम लोग देखे कि 31-2 क्या है 40 तक। आज हम लोग क्लास नंबर 4 लिखेंगे और एल 4 में हम लोग देखेंगे 41, ठीक है। तो प्रश्न संख्या हम 41 से सोल्व करेंगे। अभी मैथ का सोल्व हो रहा है, उसके बाद क्या करेंगे फिजिक्स का भी सोल्व होगा। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को कंटिन्यू देखें। क्लास अच्छा लगे तो सभी साथियों के अधिक से अधिक शेयर करना है। तो अब हम लोग सीधा उतरते हैं 41, ठीक है। जो प्रश्न संख्या हम लोग क्या लिखेंगे 41 में सॉल्व करेंगे। और इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं कि एक प्रश्न एक बार में दो प्रश्न लिखेंगे, थोड़ा लिखने में मेहनत बहुत लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे 41 और 42 को सॉल्व करते हैं, एक एक करके एक बार में दो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आप क्लास में बने रहे और क्लास को कंटिन्यू देखें मेरे भाई। और चालू करते हैं 41। नंबर 41 है, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन 1 प्लस अबीटा के पावर एन प्लस 1 माइनस अबीटा के पावर एन इक्वल टू नंबर ए बी सी और डी ना। यह जो है यूपी का भी, यूपी टीजीटी और पीजीटी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको कंटिन्यू देखें। और यह बीएससी पार्ट 1 ट्रिगो से लिया गया है, जो एक त्रिकोणमिति का बुक है उस बुक से ये लिया गया है, उसी के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी इसी चैनल पे हम क्या किया है कि बीएससी पार्ट 1, ठीक है, बीएससी पार्ट 1 और सेमेस्टर 1 के लिए न्यू बुक चालू किए हैं, जिसका नाम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक नाम, ठीक है। और यह आपका झारखंड जो जेएसएससी टीजीटी के पे ये देखिए जेएसएससी जो टीजीटी होगा झारखंड टीजीटी में ये टोटल बुके पढ़ना है त्रिकोणमिति जो सिलेबस में दिया है। तो अभी हम बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए त्रिकोणमिति बुक चला रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल आपको झारखंड टीजीटी में बिल्कुल काम करेगा, टोटल यही चीजें पढ़ना है। अब देखते हैं 41 देखिए बनाने का ये बहुत आसान तरीका है कि हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व किया जाएगा देखिए 1 प्लस आबेटा के पावर एन है प्लस क्या है 1 माइनस आबेटा के पावर एन है। देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग देखे हैं कि कॉस थीटा प्लस आबेटा साइन थीटा पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा हम लोग लिखे हैं। ये बीएससी पार्ट 1 के लिए है, ठीक है। ट्रिगो जो बुक है उसमें हम लोग फिलहाल अभी क्लास 1-2 क्लास लिए हैं, तो आप क्लास को देख सकते हैं। पहले क्या करेंगे कि अब ये देखना है कि कॉस और थीटा जो है थीटा पाई बाई 4 क्योंकि दोनों कब इक्वल होता है कि पाई बाई 4 पर इक्वल होता है। और पाई बाई 4 कहने के मतलब कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होगा और कॉस साइन पाई बाई 4 यानी कि 1 बाई रूट 2 होगा। इस वाले को हम क्या करते हैं रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और जो पावर है पावर क्या होगा एन प्लस, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, पावर क्या होगा एन होगा। अब इस वाले पावर को निकालेंगे तो टू
रूट होगा पावर ए, यहाँ से वन बाई रूट टू कहने के मतलब कॉस पाई बाई फोर लिखेंगे, वन बाई रूट टू कहने के मतलब क्या होगा साइन पाई बाई फोर हम लिख सकते हैं पावर ए, रूट टू को बाहर निकालेंगे तो रूट टू पावर क्या हो जाएगा ए, ये होगा कॉस पाई बाई फोर माइनस आई साइन पाई बाई फोर, पावर क्या हो जाएंगे ए। इसमें देख रहे हैं कि रूट टू के पावर एन है, यहाँ भी रूट टू के पावर है, नहीं इसको बाहर निकालेंगे तो रूट टू के पावर ए। इस वाले के देखिए, अब ये फॉर्मूला हम लोग पावर जब है पावर क्या करेंगे एंगल के साथ सटा देंगे, ए होगा कॉस पाई एन बट्टा फोर प्लस आई साइन, आई कहने का मतलब आवेटा साइन एन पाई बाई फोर, इसमें ये बाहर निकाल दिए, इसमें लिखेंगे तो कॉस एन पाई बाई फोर माइनस आई साइन एन पाई बाई फोर, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और रूट के पावर क्या करेंगे हाफ, मतलब इसको वन बाई टू पावर क्या होगा ए। और इस वाले को देखिए कॉस पाई एन बट्टा फोर, कॉस एन पाई बट्टा फोर जोड़ेंगे तो टू कॉस पाई एन बट्टा फोर। अब इस वाले को सोल्व किया जाएगा तो टू आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या क्या है तो इसकी पावर वन एन बट्टा टू प्लस वन, यानी कि एन बट्टा टू प्लस वन कॉस पाई एन बट्टा फोर। इस वाले को सोल्व करेंगे तो मिलेगा टू एन प्लस टू बट्टा टू कॉस पाई एन बट्टा फोर, यही आपके पास एक आंसर आ रहा है जिसका टू के पावर एन प्लस टू बट्टा टू कॉस पाई एन बट्टा फोर है। देख रहे हैं किस वाला में है, नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, नंबर क्या होगा बी होगा। ये देखिए समाकलन का है, इंटीग्रेशन से लिया गया है, और यह समझिए कि आईएससी आप पढ़े हैं तो ये 7.6 का प्रश्न दिया गया है, ठीक है, जिसका हम लोग लिखेंगे बाई पार्ट से बनेगा। तो जो इंटीग्रेशन है देखिएगा, x साइन x dx जो इंटरवल है 0 से 90 डिग्री है, तो 0 से हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाई 2 लिखेंगे। बाईपार्ट कहने का मतलब आई लेट, आई से होता है इनवर्स, इनवर्स का कोई भी फंक्शन नहीं है, एल से होते हैं लॉग वाले फंक्शन, और ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स होता है, लॉग एक्स वाले लॉग भी नहीं है, ए से अलजेब्रा कहने का मतलब एक्स है, और टी से क्या है साइन एक्स है, दो फंक्शन है। तो ए मिलेगा आपका ए टी मिला, क्या मिला ए टी मिला। तो आप यहां से ध्यान से देखिए, जो पहले है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, इस वाले को x को बाहर साइन x dx और इंटीग्रेशन 0 से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा dx और 0 से पाई बाई फोर पाई बाई टू इंटीग्रेशन, बीच में क्या होता है माइनस, बाहर वाले को डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो 1 मिलेगा, अंदर वाले को इंटीग्रेशन करेंगे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और फिर से इंटीग्रेशन 0 से क्या होगी पाई बाई। इस वाले को हम लोग देखेंगे तो x लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है वो भी क्या होगा माइनस में, क्या होगा माइनस में, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगी, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और कॉस का इंटीग्रेशन प्लस क्या होता है साइन होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे साइन, और 0 से पाई बाई टू, जहां पे x दिखेगा वहां पे पाई बाई टू रखेंगे, इस वाले माइनस को लगा करके बाहर, यानी कि पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू माइनस, जहां पे x है आप 0 रखेंगे तो 0 कॉस 0 प्लस a लिखेंगे साइन पाई बाई टू, और साइन क्या होगा 0, कॉस पाई बाई टू कहने का मतलब ये क्या देगा 0 देगा, कॉस 0 1 1 से गुणा करेंगे 0, यहां भी क्या होगा 0, केवल मिलेगा साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू कहने के मतलब केवल क्या मिलेगा 1, तो आंसर क्या होगा ये डी होगा, ठीक है डी होगा। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरह से, ये देखिए क्या होगा पाई बाई टू इंटू 0, ए 0 इंटू 1 होगा प्लस ए 1 मिलेगा ए 0 मिलेगा, जब इससे हम गुना करेंगे 0 0 हो जाएगा और प्लस 1, ये टोटल चीजें 0 है तो क्या मिलेगा 1, आंसर क्या होगा डी होगा।
तो ये हम लोग 41 और 42 देखे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 43 देखेंगे। तो आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना चीजें। हम लोग की क्या करना है कि साथ मिल मिल करके सॉल्व करना है, बात समझ गए ना। तो ये सभी को क्या करना है कि एक साथ होकर के और ये मिल करके सॉल्व करना है। तो 42 देख लिए, अब की बार हम लोग 43 और 44 लिखते हैं। देखिए 43 और 44 है, इफ जेड इक्वल टू ई के पावर ए एक्स साइन बी वाई, यहाँ पे ए और बी क्या है, रियल कॉन्स्टेंट है, देन जेड एक्स वाई बराबर क्या होगा, ए बी सी और डी है। पहले हम लोग क्या समझते हैं कि जेड इक्वल टू क्या दिया है, ई के पावर ए एक्स साइन बी वाई। पूछा क्या है कि जेड एक्स वाई, इसका मतलब है कि डेल जेड स्क्वायर बटा डेल एक्स डेल वाई पूछा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो जेड है, जेड को दो बार डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन एक बार एक्स में और एक बार वाई में हम लोग करेंगे। अगर यहां से डेल जेड बटा डेल एक्स करते हैं तो केवल एक्स के बारे में सोचेंगे, y क्या होना चाहिए, y को हम लोग क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो a होगा e के पावर x है, e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x ही होता है, तो इसको हम लिखेंगे e के पावर x, फिर ऊपर वाले को करेंगे तो a के भी x का 1 होगा और sin के जैसे के तैसे उतार देना। तो ये होगा डेल z y डेल x इक्वल टू a e के पावर a x sin b y होगा। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष में करेंगे, अब करेंगे हम लोग y के सापेक्ष में, यानी कि x को हम लोग क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट मानते हैं, ठीक है। x को क्या मानेंगे, पास बन जा रहा। अब ध्यान से देखेंगे x में तो डिफरेंशिएशन करना नहीं, करना क्या है, अब y में तो y वाले को देखेंगे, तो ये e के देखिए a e के पावर a x साइन का डिफरेंशिएशन cos b y, इस वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो b, और a लिखेंगे z x y, इसी को बोलेंगे z x y इक्वल टू a b e के पावर क्या होगा, a x cos b y। तो आंसर क्या होगा, ए बी ई के पावर नंबर क्या होगा, सी आंसर होगा। नंबर क्या लिखेंगे हम लोग, सी देखेंगे, ठीक है। यही था नंबर 43। ये देखिए बीएससी का जो बुक है, बीएससी पार्ट 1 से ये पूछा गया है, पार्ट 1, ठीक है। जो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उस पार्शियल डिफरेंशिएशन से ये प्रश्न लिया गया है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम क्या किए, पढ़ा दिया है बीएससी का जो डिफरेंशियल कैलकुलस लालजी प्रसाद का बुक था, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसको बिल्कुल देखिए, अगर इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये देखिए क्या है, ये 3D से लिया गया है, बीएससी का जो 3D है, और ये आईएससी का भी काम करता है, क्योंकि आईएससी से ही ये प्रश्न पूछा गया हुआ है 3D से। बोला है कि इफ L1 कमा M1 N1 और L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस आर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम द कॉस थीटा। ये पूछा है कि दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो कॉस थीटा क्या मिलेगा। यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन देखने के लिए मिलेगा, यदि डायरेक्शन कोसाइन पता है कि L1 है, L2 है, ठीक है, L1 M1 N1, उसके बाद दूसरे लाइन के L2 M2 N2, तो ये जो चीज़ cos थीटा होता है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस क्या होगा N1 N2, और सभी क्या हम लोग ले जाएंगे, मोड ले लेंगे, ये होगा। दूसरी बात है कि यदि डायरेक्शन आपके पास रेशियो दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, यदि डायरेक्शन रेशियो दिया है कि यहाँ पे A1 दिया है, उसके बाद B1 दिया हुआ है, C1 दिया है, अच्छा उसके बाद A2, B2 और C2, तो cos थीटा इक्वल टू होता है, मोड में लेंगे, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस B1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा A1 A2 प्लस B1
B2 प्लस C1 C2 अपॉन, अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, मोड ले लेंगे, ये होगा A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये होगा। लेकिन पूछा क्या है कि एक बात है कि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो जब भी डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तो सीधा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 देखिए डायरेक्शन, अगर इसमें भी अगर हम ए दिखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो दिया है, अगर डायरेक्शन रेशियो है और डायरेक्शन को साइन निकालेंगे तो पहला से L1 लिखेंगे L, ठीक है, L1 M1 N1 निकाल करके आप फिनिश में रखेंगे तो यही चीज आता है, तो नंबर कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, डी आएगा। ये देखिए बात है कि यहाँ से क्लास जो 12 का, देखिए ध्यान से हम बता देते हैं, क्लास जो 12 का है वो आप चले जाइएगा जो आपके पास जो पार्ट होना चाहिए एनसीईआरटी चाहे आरएस अग्रवाल, लिखिएगा 11 और 11 के टोटल चीजें आप पढ़ लीजिए, वहां से 3D आपको टोटल काम करेगा, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा 11 का, अगर हम जब तक नहीं पढ़ेंगे 3D तो बीएससी का 3D में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो पहले क्लास आप 12 और 11 दोनों देख लीजिए और यह 12 में चैप्टर 11 देखेंगे और उसमें थोड़ा सा आरएस अग्रवाल से 3D देख लेंगे। तो ये नंबर क्या था, 44 था, ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो गया। तो 43 और 44 हम लोग सोल्व कर लिए, अब चलते हैं 45 की ओर। देखिए 45 है, बोला कि फॉर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो ऑन आर, देयरफॉर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा a sin x plus b cos x dx, यहाँ पे a b c d दिया हुआ है, आंसर क्या, सीधा इतना तो फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला याद है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, a बराबर पुट करना पड़ेगा, तो a बराबर r cos थीटा और b बराबर r क्या पुट कर देते हैं, sin थीटा, जहां पे आपको a दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे, r cos थीटा और ये होगा sin x plus b equal to क्या लिखेंगे, r cos, देखिएगा r sin थीटा और इसको हम क्या बोल सकते हैं, cos x dx, r r हम लोग कॉमन कर लेंगे तो 1 बटा r, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, 1 बटा इसको सजा के लिखेंगे तो मिलेगा sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा dx 1 बटा r। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b होता है ना, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि sin a cos b है, इसका मतलब sin x और cos थीटा है, प्लस करके cos और sin क्या है, थीटा, मतलब ये थीटा है, तो इस वाले को हम बोलेंगे कि साइन एक्स प्लस थीटा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा, थीटा 1 बटा r। देखिए 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होगा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉसेक एक्स प्लस थीटा और ये होगा डी एक्स, कॉसेक का एक समाकलन होता है, तो ये 1 बटा r, इसको हम लोग लिखेंगे लॉग मोड, ये हुआ टेन, क्या हुआ tan, इसको हम बोलेंगे tan x plus theta by 2 plus c, ये फॉर्मूला ही होता है, जब भी sec x का रहेगा, x का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे सेम टू सेम मिलेगा, यहाँ पे 1 by r log, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan ना, और इस वाले को ध्यान से देखिएगा 1 by 2 बाहर x प्लस थीटा, जैसा बोला है वैसा काम हम लोग कर लेंगे। बात यहाँ बनता क्या है कि देखिए log ये तो सीधी सी बात है कि जिसमें 2 होगा वही आंसर होगा, क्योंकि 1 by 2 है, अब ज्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, 1 by 2 है तो 1 by 2 बीच में है तो पहला आंसर होगा, क्योंकि 1 by 2 इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, 1 by 2 a है लेकिन अंदर में क्या है 2x है, यहाँ पे क्या है 1 by 2 है, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, नंबर क्या होगा, 1 होगा।
अब देखिए यहाँ से थीटा का वैल्यू और आर का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो आर का वैल्यू देखिए सामने लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर करते हैं तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखिएगा ए बराबर क्या है आर कॉस थीटा और बी बराबर आर साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है आर स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होगा, तो वन होगा तो केवल क्या मिलेगा आर स्क्वायर और आर बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट क्या देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी बात है कि यहाँ पे थीटा दिख नहीं रहा है तो थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए दोनों का डिवाइड कर देंगे ये आर साइन थीटा बटा आर कॉस थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा का वैल्यू बी बटा ए है ए कटेगा साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन होगा ये लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए थीटा बराबर क्या मिलेंगे टेन इनवर्स बी बटा ए मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए वन वन बटा आर आर का वैल्यू क्या मिल गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसके बाद क्या है लॉग है फिर मोड ले लिया जाएगा टेन लिखेंगे तो टेन अब आगे लिखेगा वन बाई टू एक्स प्लस थीटा थीटा कहने का मतलब क्या लिख रहा है टेन इनवर्स बी बटा ए प्लस तो ज्यादा हम लोग क्या करेंगे इतना लेंजी नहीं है अगर यहाँ पे समझ में आया कि 1 बाई टू दिख रहा है तो 1 बाई टू एक ही जगह दिख रहा है बाकी तो यहाँ भी 1 बाई टू है लेकिन अंदर में तो 1 बाई टू नहीं है। दूसरी बात है कि 10 दिख रहा है तो 10 में तो आपका एक ही 10 है बाकी तो 10 नहीं है तो नंबर क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। यह था आपका 45। अब हम लोग चलते हैं 46 के पास। 46 है ना ए क्या है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12 है बी सी ना बी चार परपेंडिकुलर टू द लाइन मतलब एक हाइपरबोला है और एक लाइन दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है तो इसमें से बोला हुआ है कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। पहले क्या होता है कि ये कंडीशन यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है परपेंडिकुलर के कंडीशन एम वन a2 बराबर माइनस वन होता है ठीक है गिवन है देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 है इसमें हम लोग स्लोप निकालेंगे जिसको स्लोप बोला जाता है dy / dx को परपेंडिकुलर अगर जब भी बोलेगा तो हम लोग समझेंगे कि m1 m2 इक्वल टू क्या होता है माइनस 1 होता है m1 कहने के मतलब dy / dx ये बोला जाता है स्लोप बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे स्लोप। तो यहाँ पे क्या है कि m1 और m2 है तो पहले वाले से m1 निकालेंगे और दूसरे वाले से m2 निकाल के रख देंगे पॉइंट पता होगा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m1 इनटू x माइनस x1 होता है इसको डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा 6x माइनस 8 क्योंकि ये 6x है और माइनस क्या है 8 y dy / dx इक्वल टू 0 आएगा 6x बराबर क्या होगा 8y dy / dx तो dy / dx इक्वल टू हम लिखेंगे तो 6x बटा 8y और इस वाले को हम लोग कट करके लिखेंगे तो 3x बटा क्या आएगा 4y आ जाएगा तो a बोलेंगे m1 इक्वल टू 3x बटा 4y आ जाएगा। एक लाइन दिया हुआ है जो कि लाइन क्या है कि y बराबर x माइनस तो dy / dx ऐसे एक फॉर्मूला होता है इसको हम क्या बोलेंगे m इक्वल टू अब क्या होगा कि 4 परपेंडिकुलर तो m1 m2 इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 होता है m1 क्या है कि 3x बटा 4y इनटू 1 बराबर माइनस 1 तो 3x इक्वल टू माइनस 4y x बराबर माइनस 4y बटा क्या आया 3 और यह समीकरण हम लोग क्या देंगे 1 देंगे। x का वैल्यू अगर इस वाले में पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा आप इसमें पुट कीजिएगा 3x देखिएगा x स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा माइनस 4y बटा 3 का ऑल स्क्वायर माइनस 12 ओ 4 है 4y स्क्वायर इक्वल टू 12 इस वाले को 3 देखिए 4 चौका क्या होगा 16y स्क्वायर बटा ये 9 होगा
ये 4y² = 12, ये कट जाएगा, कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। तो आप इसमें से 4 कॉमन कर रहे हैं, क्या 4 कॉमन कर लीजिए, तो 4 कॉमन कीजिएगा तो क्या मिलेगा जी, देखिएगा सीधा, या तो ऐसे लिख दीजिए 4 कॉमन कीजिएगा तो ये 4y² - y² बटा ये 3 हो जाएगा और इक्वल टू ये कटेगा 3 से, यानी कि यहां से मिलेगा y² / 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9y - 3। समझ में आ रहा है ना, एलसीएम ले लेंगे तो 4y² - 3y² इक्वल टू क्या होगा y² / 3, और 3 से मल्टीप्लाई करके y का वैल्यू निकाल देंगे। अब बात यहां बनता क्या है कि y का वैल्यू देखिएगा, y इक्वल टू +3 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना देगा -4, ये भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = 3 - 3। तो x बराबर देखिएगा 3 पर अगर 3 रखेंगे तो 3 कट करके -4, एक पॉइंट ये मिला। अब हम -3 रखेंगे तो -, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, 2 पॉइंट आपको मिल गया। समझ गए, अब बात यहां बनता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, ये होता है y1 m x - x1, m का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, या तो x और y का पुट कर लेंगे, या m का वैल्यू यहां देखिए 1 दिया हुआ है, क्या निकला हुआ है 1। लेकिन बात यहां बनता क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के कंडीशन में जो m का वैल्यू होगा देखिएगा, और क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर, तो m इक्वल टू क्या होगा, ये भी प्लस है तो इसको हम क्या करेंगे माइनस में, प्लस है तो यहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं कि m1 m2 बराबर -1 नहीं लगा करके सीधा बोलेंगे कि जब प्लस में है तो इसको क्या लिखेंगे माइनस में, और इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसको प्लस करके 1 ही लिखेंगे। अब बात बनता है कि एट कौन सी पॉइंट रखेंगे 3 और -4, तो y + 4 = -1 x - 3, तो y + 4 = -x अब +3, तो y + x = 3 - 4, तो y + x = - क्या मिलेगा 1 मिलेगा, पहला क्या समीकरण मिलेगा। तो यहां से देखेंगे x + y किस में दिख रहा है, यहाँ पे x + y इधर लाएंगे तो माइनस होगा, ये प्लस होगा नहीं, दूसरी बात है ये भी नहीं होगा, तीसरा ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा सी होगा, बाकी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी पॉइंट क्या लिखेंगे -3 और 4, तो y1 कहने के मतलब 4 है, तो आप इसमें 4 रखिएगा बराबर -x + 3, क्योंकि x का वैल्यू -3 -- प्लस हो जाएगा, y - 4 = -6 - 3, y इधर लाएंगे तो ये प्लस होगा बराबर -3 + 4, यानी कि y + x = क्या आएगा 1 आएगा। y + x तो हम क्या लिख सकते हैं y + x = -+, इसको एक ही बार लिखा गया है कि माइनस प्लस, बात बनता क्या है सी आंसर होगा। तो जब भी ये करेगा परपेंडिकुलर तो ये कंडीशन होता है m1 और m2 = -1, परपेंडिकुलर में स्लोप क्या लिया जाता है, जो स्लोप निकलता है उसको हम लोग प्लट देंगे ना, जैसे 1 है तो 1 का उल्टा 1 होगा और प्लस है तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस, m का वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू पुट कीजिए, पॉइंट पुट कीजिए, बाकी सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, तो आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। ये 46 था, उसके बाद हम लोग चलेंगे 47। देखिए 47 है, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज एट द पॉइंट 1, 1, 1, ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है, बोलता क्या है कि सी का पॉइंट कौन सा होगा ना। एक हम फॉर्मूला यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, कोई भी एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपके 3 पॉइंट है x1, y1 और z1, बी का पॉइंट क्या है x2, y2 और z2, सी का जो पॉइंट होता है वो x3, y3 और z3, ये पॉइंट नीचे बीच है, और इस वाले को हम क्या करेंगे जी लिखेंगे, और एक्स वाई और जेड है। जब भी ऐसा पूछा जाएगा कि एक त्रिभुज का अगर ए सेंट्रॉइड है, इसका फॉर्मूला यही होता है कि एक्स बराबर x1 + x2 + x3 / 3 होगा,
y बराबर x1, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 और z बराबर होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बटा 3। ये फॉर्मूला होता है। सेम यही काम है कि यहाँ पे एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम क्या है, A है, बी सी है, A और B का पॉइंट दे रखा है यानी कि A का पॉइंट कितना है 3-5-7, B का पॉइंट -1-7-6 है और इसका नहीं है तो इसका एक्स वाई और हम जेड मान लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड, नहीं मान किया तो एक्स टू वाई टू और जेड थ्री भी, मतलब x3, y3 और z3 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये g का वैल्यू क्या 1-1-1 दिया हुआ है। इस फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे तो यही लगेगा कि 1 बराबर मिलेगा, 1 बराबर पहला वाले पहले के साथ जोड़ दीजिए 3 प्लस माइनस 1 प्लस x बटा क्या है 3, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 प्लस x, एक्स बराबर क्या दिया 1 दिया, एक्स बराबर क्या है 1, तो 1-1-1 डी बिल्कुल आंसर नहीं होगा। उसके बाद दूसरी बात है कि बीच वाले तो 1, तो दूसरे वाले दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो माइनस प्लस अब प्लस क्या है वाई बटा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 प्लस वाई होगा, 2 प्लस क्या होगा वाई, तो इधर आएगा तो वाई इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आएगा, तो y बराबर कितना आया 1 आ गया। इसमें दूसरा भी नहीं होगा और a भी नहीं, आंसर आंसर नंबर क्या होगा 1। बाकी z आप निकाल लीजिए, z का भी निकालिएगा तो 1 इक्वल टू 7 प्लस क्या होगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा और प्लस z होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, नंबर क्या होगा a। चलिए इसको एक नोट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। 48 में यह दिया है कि cos hyperbolic inverse, cos hyperbolic inverse x equal to क्या होगा। बहुत आसान है कि ये चीजें, पहले हम लोग क्या करेंगे लेट कर लेंगे, पहले क्या होगा लेट होगा, देखिए जो दिया है उसी को हम लेट मानते हैं। देखिएगा क्या होगा, cos hyperbolic inverse x equal to y, x बराबर ये इधर गया तो क्या मिलेगा cos hyperbolic y, x बराबर इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे cos i y, क्योंकि जैसे भी हम लोग hyperbolic को हटाते हैं h को हटाते हैं तो क्या मिलेगा i y, ये फिर इधर आएगा तो क्या बनेगा cos inverse x बराबर i y, y बराबर लिखेंगे तो क्या मिलेगा ये बट्टा में 1 बट्टा i cos inverse x हो जाएगा, y बराबर क्या दिख रहा है cos hyperbolic x equal to i, परिमेयकरण हम लोग इसको कर लेंगे और ये मिलेगा cos inverse x, तो ये हो जाएगा आ बेटा, ठीक है, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ बेटा स्क्वायर और ये हो जाएगा cos inverse x हो जाएगा। ये बात है कि आवेटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है माइनस 1 होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे आवेटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा आई कॉस इनवर्स एक्स यानी कॉस हाइपरबोलिक एक्स। चलिए कौन सा आंसर होगा इसमें, नंबर सी आला है, बहुत आसान है, जो दिया है उसी को लेट मान लेंगे, लेट मानने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहां से देखिए हाइपरबोलिक को हटाना चालू कर देंगे क्योंकि ये साइन है हाइपरबोलिक है ही नहीं, तो इस वाले में हम लोग क्या करेंगे x निकालेंगे तो इधर जाएगा तो cos hyperbolic y, अब इसको h को हटाएंगे तो बाहर में क्या आ जाएगा, देखिए h को हटाएंगे तो i लग जाएगा y के साथ और इस वाले को इधर करेंगे तो cos inverse x equal to i y मिलेगा, मिलेगा ना जी। अब बात बताते हैं कि अगर हम y निकालेंगे तो ये बटा में चलेगा जो ये लिखे हैं और बटा में हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ना होकर के इसको क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे गुना कर दिए, ये दोनों का क्या करेंगे गुना करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस 1, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस अवेटा कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो आंसर नंबर क्या आएगा आपका सी आ जाएगा। चलिए 48 है और 49 और 40 क्या करते हैं 50 कर लेते हैं, हम लोग सोल्व करेंगे बीत के तो सोल्व हो ही रहा है आपस में, तो आप इसको नोट कीजिए।
तो आज के हम लोग क्लास में 41 से 50 तक ही रहने देते हैं और 49 आपके सामने है। ये बोला हुआ है कि ए और बी क्या होना चाहिए, दो भाई आपके पास पैरामीटर्स है। ए वाला y बराबर दिया है तो इसमें से कौन सा डिफरेंशिएशन होगा। देखिए जब भी a और b नंबर कितना है, दो नंबर है a और b है कि इसकी संख्या गिन रहे हैं कांस्टेंट का, एक और एक दो है, दो बार आप डिफरेंशिएशन करके a और b को हटा दीजिए, आपका जो भी आएगा वो आंसर आएगा। जैसे y बराबर a cos क्या है 3x प्लस b sin क्या है 3x। dy by dx इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है sin, और इसको करेंगे तो क्या मिलेगा 3, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3। अब की बात यहाँ बनता है कि डबल डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा 3, तो पहले लिखना पड़ेगा ए भी लिखना पड़ेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा और फिर इसका डिफरेंशिएशन 3 होगा प्लस 3, तो पहले लिखेंगे बी भी लिखेंगे ए भी, साइन कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन 3x और इसका डिफरेंशिएशन 3 आएगा। तो यानी कि ये मिला, देखिए 3 तरीके क्या होगा 9 a cos 3x प्लस माइनस माइनस 9 b sin 3x होगा। इसमें से माइनस 9 कॉमन करेंगे तो a cos 3x प्लस क्या होगा b sin 3x होगा। बात बनता क्या है कि 9 a cos 3x प्लस b sin 3x इक्वल टू कितना दिख रहा है y, तो इसको हम क्या लिखेंगे y, और ये था d स्क्वायर डी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो ये चीजें हम लोग लिखेंगे इधर लाकर के प्लस हो जाएगा, ये हुआ डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 9 वाई इक्वल टू 0, तो नंबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, नंबर क्या होगा 1 आएगा। अब यहां से देखिए आपके बोला बोला क्या है कि दी पोल ऑफ दी लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 with respect to the ellipse x square plus 2y square minus 4x plus 12y plus 14 equal to 0। ये बोला हुआ है कि इसमें से 4 कौन होगा, मतलब पॉइंट ही पूछा हुआ है। आप क्या कीजिएगा, इस वाले को हम लोग s equal to लिखते हैं तो क्या मिलेगा x square plus 2y square minus 4x plus 12y plus 14 equal to 0। इस वाले को हम लोग देखिए टेंजेंट निकालते हैं, टी से क्या होता है टेंजेंट होता है, टेंजेंट निकालने का एक तरीका होता है जो 2D में आप पढ़िएगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक पॉइंट पर हम निकालते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं कि एक्स वन और वाई वन पर निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2y y1, ये जो नंबर है उसको इस नंबर के 2 से डिवाइड किया जाता है तो क्या मिलेगा 2, और सिंगल है तो इसमें x जोड़ देंगे प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 6y प्लस y1 और प्लस 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, इस वाले को मल्टीप्लाई करके कॉमन कुछ करते रहे है ना, जैसे हम लोग इससे और इससे हम लोग देखेंगे तो माइनस 2x और यहाँ भी x है, x कॉमन करेंगे तो x1 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले से देखेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा, y कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 2y1 और प्लस 6 मिलेगा क्योंकि y कॉमन कर देंगे, ये दो चीजें अब बीच में प्लस हो जाएगा। इस वाले को हम लोग लिखेंगे तो लिखना क्या है देखिएगा, इससे गुणा करेंगे तो 6y1 हो जाएगा, क्या होगा 6y1 होगा, इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2x1 और प्लस क्या होगा 14 इक्वल टू 0। और यह समीकरण हम लोग क्या मानते हैं 1 मानते हैं, और एक लाइन आपके पास दिया हुआ है x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब ये देखिए ये भी एक लाइन है और टेंजेंट जो निकलता है वो भी एक टेंजेंट क्या है लाइन का ही काम करता है, तो दोनों समीकरण के हम लोग क्या करेंगे तुलना कर देंगे, तो तुलना करने के बाद आपके पास यही मिलेगा, सुनता देते हैं ना दोनों के तुलना करेंगे a1 a2 बराबर b1 b2 और c1 c2 समीकरण में आप पढ़े होंगे। इस वाले से करेंगे तो देखिए x और माइनस क्या है माइनस 2 है और बटा में क्या आ जाएगा 1 आएगा, समझ में आ रहा है।
एक्स माइनस टू बटा वन बराबर, इस वाले से करेंगे तो क्या मिलेगा, टू बाई वन प्लस सिक्स बटा माइनस वन। इस वाले से हम लोग देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सिक्स वाई वन माइनस टू एक्स वन प्लस फोर्टीन बटा टू हो जाएगा। पहले वाले से हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस टू इक्वल टू माइनस टू वाई वन माइनस छ आ जाएगा। तो x प्लस देखिएगा x वन कर लीजिए, x वन होगा ए इधर आएगा तो प्लस टू वाई वन होगा और बराबर माइनस सिक्स प्लस टू, यानी कि x वन प्लस टू वाई वन माइनस फोर, एक समीकरण यहां से ही तैयार हो गया। अब ये दोनों को इक्वल कर लेते हैं, इसको हम लोग इक्वल करेंगे। अब क्या करते हैं कि इसके इसके साथ बराबर कीजिए, आए इसके इसके साथ बराबर कीजिए, फिर एक समीकरण मिलेगा, जैसे माइनस हो जाएगा टू वाई वन माइनस सिक्स, ये टू से कटेगा तो थ्री वाई वन, ये टू से कटेगा तो माइनस सिक्स वन, ये टू से कटेगा तो सात आ जाएगा। एक वन को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस टू वाई वन और माइनस थ्री वाई वन बराबर सात, प्लस क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा, सात प्लस क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा। इस वाले को सोल्व करेंगे, एक्स वन माइनस फाइव वन बराबर क्या आएगा तेरह, और यह समीकरण क्या हो जाएगा नंबर फोर। ये दोनों समीकरण के हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वन माइनस फाइव वाई वन और ये तेरह है, एक्स वन प्लस टू वाई वन बराबर माइनस फोर है। इस वाले को माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ए कट जाएगा, ये दोनों के देख रहे हैं तो माइनस क्या होगा सात वाई वन, क्या होगा माइनस सात वाई वन, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा सत्रह, तो वाई वन इक्वल टू सत्रह बटा कितना आ जाएगा सात, वो भी क्या होगा माइनस में, क्या होगा माइनस में होगा, ये आंसर माइनस में होगा। देखिएगा माइनस सत्रह बटा सात है, माइनस क्या है ये लिखने में थोड़ा सा माइनस छूट गया था, तो माइनस सत्रह बटा सात किस में है, इस वाला में तो है ही नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, आंसर क्या होगा बी होगा। अब वाई वन अगर इसमें हम रखते हैं, वाई वन का वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपको एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, जैसे एक्स वन बराबर माइनस फोर माइनस टू वाई वन, ये हो जाएगा माइनस टू, वाई वन का वैल्यू क्या है माइनस सत्रह बट्टा सात है, ये माइनस फोर होगा और सत्रह दुगा के क्या आएगा चौंतीस बट्टा सात, सच्चौ अट्ठाईस यानी कि माइनस अट्ठाईस प्लस क्या होगा चौंतीस बट्टा सात हो जाएगा, और घटाइएगा तो आपके छह बट्टा सात मिलेगा, क्योंकि छह बट्टा सात आंसर है, तो आंसर क्या आपका मिलेगा बी मिलेगा। यह नंबर क्या था आपका पचास का, आप इसको नोट कीजिए। तो ऐसा कभी कोनिक सेक्शन दिया हुआ है तो उसको एक्स मान लीजिएगा, और टेंजेंट निकालने का एक कंडीशन होता है कि जहां पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि एक्स वन वाई वन पर पॉइंट निकाले हैं और टू रहने देंगे, वाई को लिखेंगे वाई वाई वन माइनस दो से डिवाइड करेंगे टू, और एक्स में एक्स वन जोड़ देंगे और दो से डिवाइड करेंगे छह, और वाई में वाई वन जोड़ देंगे और बाकी चीजें छोड़ देंगे, इसको हम गुना कर दिया, जहां पे x है वहां पे x से हम लोग क्या किए कॉमन किए, जहां पे y है वहां पे y कॉमन किए, बाकी एक साथ लिखे, और दोनों समीकरण के हम लोग क्या करेंगे तुलना करेंगे, तुलना कहने का मतलब ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी बी टू और सी वन बटा सी टू कर लेंगे। तो एक हम यहाँ से नोट लिखते हैं कि जो भी कॉनिक सेक्शन होता है, कॉनिक सेक्शन मतलब ए एक्स स्क्वायर, देखिएगा कॉनिक सेक्शन मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। अगर इसको हम टेंजेंट निकालते हैं, मान लें कि ए होगा एक्स वन वाई वन पर टेंजेंट निकालेंगे, तो जहां पे स्क्वायर है वहां पे ए को एक्स लिख करके एक एक्स वन पुट कर देंगे, ट्रिक है ये, और बी वाई वाई वन इसको दो से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा केवल जी मिलेगा, दो से डिवाइड करेंगे तो क्या जी मिलेगा, एक्स प्लस एक्स वन दो से डिवाइड करेंगे तो एक वाई प्लस वाई वन मिलेगा, और प्लस क्या है सी इक्वल टू जीरो, यही फॉर्मेट इसमें होता है। ठीक है, तो ये टेंजेंट का समीकरण निकल जाता है जब कॉनिक सेक्शन होगा। तो आज हम लोग देखिए 41 टू क्या होगा 50, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 51 टू 60, मात्र एक क्लास में 10 प्रश्न सोल्व करेंगे और बाकी हम लोग अलग देखेंगे। तो आप इसको नोट वगैरह कर लीजिए और
तो अगले क्लास में हम लोग 51 को 60 देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन, फिर से लेकर के आएंगे 51 टू 60।